माई चैनल एंड वेलकम बैक इन टूडेज वीडियो। तो आज की वीडियो आपके साथ मैं फिर शेयर करने वाली हूँ मीशो से कुर्ता प्लाजो सेट हॉल। काफ़ी सारे मीशो के हॉल कर रही हूँ मैं, आई होप दे विल स्पॉन्सर मी फॉर सम डे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज की वीडियो में जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप एवरी डे वेयर पर पहन सकते हैं एंड एवरी डे बेसिस पे पहन सकते हैं। एंड आप जो भी है ये मार्केट कोचिंग या मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कब पहनना है, पर सारे के सारे पीसेस काफ़ी अच्छे हैं, वर्थ द मनी है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मेरे पास जो है वो ये वाइट कलर से स्टार्ट करते हैं, वो ये है। आपको यहाँ पिक्चर में दिख जाएगा, साइड में आपको ट्राई ऑन नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा टाइट लग रहा था। प्योर वाइट कलर का है, ब्लैक कलर से ये थ्रेड की और फॉल्स मिरर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। एल साइज़ के बाद भी इसकी कुछ साइजिंग छोटी है, मीन ये एम का साइज़ है, आप इसमें एक्सेल पे जाएंगे तो एल का साइज़ होगा मेजरमेंट वाइज। एंड यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं काफ़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। स्लीव्स में भी इन्होंने सेम एम्ब्रॉयडरी दी है, 3/4 स्लीव है इसकी एंड पूरा प्लेन है। शॉर्ट कुर्ती है ये, अब नी तक आएगी और इसके साथ ये सलवार इन्होंने दिया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसका पैटर्न इलास्टिकेटेड इसका वेस्ट बैंड है एंड इसका जो ये है इन्होंने अफगानी टाइप का जो एक होता है ना पाकिस्तानी स्टाइल में वो इन्होंने यहाँ पे सलवार दिया हुआ है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है फैब्रिक इसका, मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है अकॉर्डिंग टू समर्स। इसके साथ इन्होंने दुपट्टा दिया है जो कि लहरिया प्रिंट में काफ़ी मतलब छोटा दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टॉल की तरह आप इसको ले सकते हैं, पर दुपट्टा भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का है। क्वालिटी इसकी भी मुझे अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये एक मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता प्लाजो सेट है। ये भी शॉर्ट कुर्ती है, नी लेंथ आती है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था स्टाइल मुझे। यहाँ पे कॉलर इसका जो नेक है वो मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी है ये पूरी। और इस तरह का मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में शायद दिखाया होगा, आई डोंट नो वो वीडियो मैं कब एयर करूँगी, बट उसमें भी शॉर्ट कुर्ती मैंने दिखाई थी तो सेम फैब्रिक था, मतलब ये सब प्रिंट नहीं है, फैब्रिक में सेल्फ में काम हो रखा है, पूरा का पूरा थ्रेड है ये, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है। स्लीव में भी सेम ऐसी चीज़ दी हुई है, मतलब एम्ब्रॉयडरी दी हुई है जिस तरह से नेक में है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। इसका पैंट का जो फैब्रिक था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक तरफ बीड्स दी हुई है इस तरह से, पर्ल्स जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल ये पूरा ही प्लेन है, मतलब प्लेन एज इन कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ प्रिंट नहीं है। इसके साथ ये पैंट मुझे मिला था प्लाजो जो कि ना तो ज़्यादा वाइड है ना तो ज़्यादा नैरो है, एक अप्रोप्रिएट लेंथ है इसकी। एंड इसका जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, रोड के बगल में घर है, हॉर्न सुनना पड़ेगा आपको, सॉरी। एंड नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये है, येलो कलर का एक कुर्ता सेट है जो कि क्रेप के मटेरियल में है, पर बहुत अच्छा क्रेप है ये, बिल्कुल आपको गर्मी नहीं करेगा, येलो में ही आप इस तरह से इसमें कट वर्क हो रखा है कुर्ते में, आप देख पाएंगे ये डिज़ाइन। और स्लीव्स में भी इसके इसी तरह के डिज़ाइन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, आपको इस तरह से विजिबल होगा पहनने पे ऐसा लगेगा जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा था। एंड आगे पीछे इसमें दोनों में कट हो रखा है, पूरा प्लेन कुर्ता है, आगे भी कट है पीछे भी सेम तरह का कट है जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे मैंने इसको परचेज़ किया। ये भी 300 प्लस की रेंज में है, मतलब अंडर 400 है। इसके साथ प्लाजो भी है, प्लाजो में अगेन इस तरह के कट्स दिए हुए हैं बॉटम पर, और इसमें एक पॉकेट भी है जो कि मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। आगे पीछे इलास्टिकेटेड बैंड है, बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा प्लाजो, बैठने उठने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है ग्रीन कलर का जॉर्जेट में गाउन सेट है बेसिकली। इसका मैंने एक अभी जो मेरी एक वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें एक वीडियो मैंने एक ब्लू शेड दिखाया था, पर वो दूसरे सेलर से था, क्वालिटी दोनों की सेम है बट उसमें फुल स्लीव थी, इसमें 3/4 स्लीव है, इतना ही फ़र्क है। एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी और नीट कर रखी है, फ्रॉक स्टाइल में कुर्ता है ऊपर, और मतलब ऊपर से पूरा एकदम पैर तक आता है, केवल इसके यहाँ पे बस्ट एरिया पे ही एम्ब्रॉयडरी है, पूरा प्लेन है और ऊपर से नीचे तक पूरा अंदर सॉफ्ट मटेरियल का ये लाइनिंग दे रखी है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक मुझे लग रहा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है मुझे।
और इसके साथ इन्होंने एक बस चुन्नी दे रखी है, बॉटम नहीं है, एक इतनी छोटी चुन्नी जिसको आप एक साइड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसका प्राइस 387 रुपीज़ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये है, इसकी काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी, इसकी पिक्चर मुझे किसी ने भेजी थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उस तरह खरीदा, सेलर का तो नहीं कुछ उन्होंने भेजा था, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 3/4 स्लीव है यहाँ पे, बहुत मिनिमल डिज़ाइनिंग कर रखी है, गोटा पत्ती, इसको कौन सी लेस बोलते हैं, ट्राइंगल वाली लेस है। प्रिंट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी सटल लग रहा है समर के अकॉर्डिंग, इसको नायरा स्टाइल बोलते हैं अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और यहाँ पे इस तरह से दो लटकन दे रखे हैं, दो नहीं बस एक ही लटकन है, एक लटकन दे रखा है, और इस तरह से पूरा इसके साइड्स पे जो चौक होता है ना यहाँ पे भी बॉर्डर्स दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरा सेम प्रिंट है इसका, गले में इस तरह के डिज़ाइन दे रखी है यहाँ पे, और कट है पूरा ही एक तरह का कुर्ता है, आगे पीछे दोनों ही इसके सेम, ये जो बॉर्डर है ना लेस वाला इसके पीछे भी दिया हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है। एंड इसके बॉटम पर, बॉटम मुझे अच्छा लगा, थोड़ा लहरिया का जो प्रिंट होता है ना छोटा छोटा वो दिया है, पर मुझे एक चीज़ इसके बॉटम का नहीं पसंद आया कि इसमें कुर्ते का ये जो लेस है अगर इसको बॉटम पर भी देते तो ज़्यादा ही अच्छा लगता, पर अभी भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ये भी 300 प्लस में था एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एवरीडे बेसिस के लिए सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है कैसे। नेक्स्ट मेरे पास जो है ये है, ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, नेवी ब्लू कलर का है, ये जितना कुछ आप देख रहे हैं ना ये सब सेल्फ में है, मतलब फैब्रिक में बना हुआ है, तो इसकी टेंशन नहीं है कि आप धुलेंगे तो चला जाएगा, ये प्रिंट नहीं है, इस तरह का फैब्रिक ही है, इसमें इस तरह का बटन दिया हुआ है, वी नेक है और ये बटन खुलते नहीं हैं, अगर मोती के बटन है। ओवरऑल ये प्लेन है, 3/4 इसकी लेंथ है, कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पीछे से ये देखोगे आप इस तरह से, क्योंकि फैब्रिक्स में ही मतलब ये सब कुछ ऐड है। एंड इसके साथ जो बॉटम है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया, फिटिंग वाइज भी और मतलब स्टाइल वाइज भी काफ़ी अच्छा है, इस तरह का है बेल्ट वाला, इसमें पैंट है, इसमें ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी दी हुई है बांधने के लिए इनकेस आपको थोड़ा सा लूज़ और फिट का प्रॉब्लम हुआ तो। और यहाँ पे पॉकेट्स हैं दोनों साइड में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ये 363 में था शायद, और डिलीवरी चार्ज कुछ ऐड हुआ है फिर 400 हो गया ये, तो अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके साथ दुपट्टा भी है, मतलब 300 में आपको तीन चीज़ मिल रही है, 100 फॉर ईच, ये इस तरह का दुपट्टा है, ट्राई ऑन में भी आपने देखा होगा, दुपट्टे की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ओवरऑल इस प्राइस में तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। आप अपना बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है itisikushi.official, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, नमस्ते एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।